उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बंद पड़े निजी स्कूल के अंदर देसी शराब बनाने का कारखाना एसटीएफ प्रयागराज की यूनिट व सैनी कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही में पकड़ा है। पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3000 लीटर अवैध स्प्रिट की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में शीशी बोतल होलोग्राम ढक्कन रैपर्स जो ब्रांड्स के हैं वो बरामद किए गए हैं। कलर फ्लेवर जिससे कि एक देसी शराब बनाई जानी थी भारी संख्या में, इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 3 गाड़ियां हमको डीसीएम बोलेरो आदि मिली हैं। इनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है। ये स्प्रिट ये दिल्ली से लाए थे और यहाँ पे अवैध रूप से इनकी फिलिंग करके इसको बेचा जाना था।